गाइस, HTML के लास्ट ट्यूटोरियल में आपने सीखा था कि एंकर टैग का हम यूज़ किस प्रकार करेंगे, एक HTML फाइल का लिंक दूसरी HTML फाइल के लिंक से किस प्रकार जोड़ेंगे, और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी पिक्चर, किसी अदर फाइल्स, अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर हमने अपने HTML पेज पे जोड़ना है तो उसका लिंक हम एंकर टैग के जरिए किस प्रकार लगाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। फिर से हमने वही फाइल ओपन कर ली है जो लास्ट वीडियो में हमने आपको एंकर टैग के बारे में बताया था कि हम किस प्रकार से HTML फाइल को लिंक करेंगे एंकर टैग के जरिए। ठीक है, वही फाइल है, वही हमारे पास। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जाके देखते हैं या गैलरी में जाके देखते हैं, मैंने एक और दो ये फ़ोटो के नाम से बनाए थे और अबाउट अस के बारे में। ठीक है, वापस हम गैलरी में आते हैं। गैलरी में हमारी फ़ोटो नज़र आनी चाहिए, या फिर हम यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करें तो वो फ़ोटो ओपन हो जाए। अब हमने लिंक डालने थे तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गैलरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैलरी का बनाया हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे इमेज लगाना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए टैग बताई थी आपको, एक बार फिर से मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे टैग शुरू करेंगे इमेज के लिए। ठीक है, हमने इमेज टैग शुरू करी और हमने यहाँ पे इमेज के अंदर कोई भी इमेज लेनी है तो उसके लिए हम यहाँ इमेज में आएंगे और यहाँ पे स्पेस डाल के यूज़ करेंगे src इज इक्वल टू, हमने उसका लिंक डालना है, इनवर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे कि इमेज हमारी कहाँ पे रखी है। देखो मैं बता देता हूँ, मेरे पास ये फोल्डर था गैलरी का। ठीक है, गैलरी वाले फोल्डर में मैंने यहाँ पे सारी HTML फाइलें, कुछ PDF फाइल या फिर एक नोटपैड फाइल भी मैंने रखी है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज का फोल्डर जो बना रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज रखी है। ठीक है, डी शर्ट की इमेज है, पेंगुइन है, टुलिप्स की है, तो मैं डी शर्ट की कोई एक इमेज उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूँगा सबसे पहले इमेज, क्योंकि उस फोल्डर का नाम है इमेज, जहाँ पे हमने कुछ इमेज या कुछ पिक्चर रखी हुई है। बैक स्लैश यूज़ करेंगे और उस इमेज का नाम डी शर्ट था, डॉट कौन सी फाइल थी, JPG फाइल थी या PNG या ZIP, जो भी फाइल थी वो एक्सटेंशन JPG फाइल है वहाँ पे, और इसको मैं करूँगा सेव और रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पे आके इस पेज को रिफ्रेश, तो वो इमेज नहीं आई। कहाँ पे लगाई हमने, गैलरी के अंदर, ये देखो ING हो गया, ये इमेज करना है हमने IMG। ठीक है, ओके, इसलिए नहीं आई थी। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो इमेज काफ़ी बड़ी आ गई है ना। अगर हमको छोटी इमेज चाहिए तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस जगह इमेज के बाद हम स्पेस डालेंगे और इसकी कर देंगे विड्थ इज इक्वल टू, कितनी चाहिए हमको विड्थ इसकी, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 150 चाहिए। ठीक है, वो इमेज हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भाग गया, ये लो, सेव कर देंगे और वापस आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो इमेज का साइज़ छोटा आ जाएगा। यहाँ पे लाइन ब्रेक डालना है एक हमने, तो हम लाइन ब्रेक यूज़ कर देंगे, दो लाइन ब्रेक करना चाहें दो लाइन ब्रेक यूज़ कर सकते हैं और सेव, तो ये लाइन ब्रेक डल जाएंगे। अब हमने यहाँ पे लिंक लगाना है फ़ोटो 1 पे और फ़ोटो 2 पे किसी भी पिक्चर का, तो उसके लिए मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ, दोबारा से लिखूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ए टैग। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूंगा फोटो 1। ठीक है, हमने इसके बीच में लिखना था और अब यहाँ पे आके हम करेंगे हाइपर इज इक्वल टू उस पिक्चर का नाम, वो पिक्चर है हमारी टुलिप्स के नाम से, तो मैं यहाँ पे करूँगा इन्वर्टेड कॉमास के साथ TULIPS टुलिप्स डॉट, वो भी JPG पिक्चर थी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, ओके, और इसको कर देता हूँ मैं फिर से सेव। अब यहाँ पे आके करेंगे इसको रिफ्रेश तो देखो यहाँ पे लिंक बन गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास टुलिप्स वाली पिक्चर ओपन होगी। हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पे उसका लिंक नहीं डाला कि वो पिक्चर कहाँ पे है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, टुलिप्स स्पेलिंग तो सही है। हमने यहाँ पे डालना है इमेज जैसे हमने ऊपर उसमें डाला था। ठीक है, और सेव। अब रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर कौन सी ओपन हो जाएगी, तो लिप्स वाली। अब चलते हैं बैक। इसी प्रकार हमने एक और पिक्चर का यहाँ पे लिंक डालना है तो एक और डाल लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे हटाऊँगा और सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे आके कर दूँगा पेस्ट। और इस बार हम पिक्चर का नाम डाल देते हैं दूसरा,
दूसरी पिक्चर थी पेंगुइन डॉट जेपीजी, और ये हो गई हमारी फ़ोटो टू, सेव। इधर आके करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये पेंगुइन टू और बैक। अब एक चीज़ ध्यान करना, यहाँ पे हम किसी भी फोटो पे क्लिक कर रहे हैं तो एज इट इज़ उसी टैब के अंदर ओपन हो रही है। देखो बैक करता हूँ वही टैब है, इसको क्लिक करता हूँ तो वही टैब पे ओपन हो गई। हम चाहें कि ये पिक्चर जब क्लिक करें तो ओपन होकर के दूसरी टैब पे जाए, यानी कि एक नई टैब ओपन हो जाए, तब हम उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। किसी भी पिक्चर को आपने दूसरे अगर टैब में ओपन करना है तो इधर आएंगे, स्पेस यूज़ करेंगे और एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, टारगेट हमने कहाँ का देना है, टारगेट हमने देना है अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक और सेव कर देंगे। ये एट्रीब्यूट्स क्या काम करेगी हमारी, इस फाइल को हम रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये एकदम झटके से नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। ये टैब हमारी यहाँ पे खुली हुई है और ये टैब दूसरी खुली हुई है। ऐसे ही हम इस पिक्चर को भी क्लिक करते हैं तो ये भी नई टैब में जा कर के ओपन होगी। अब एक एट्रीब्यूट्स और आता है जिसको बोलते हैं टाइटल, यानी कि हमने इस फोटो पे क्लिक करना है, जैसे माउस इसके ऊपर लेके जाएं तो ये यहाँ पे बताए कि क्लिक हियर है ना या क्लिक ऑन इट, तो हम क्या करेंगे दूसरी एट्रीब्यूट्स हम लगाएंगे, उसको बोलते हैं टाइटल। हमने टारगेट की लगाई थी, इसके आगे चलते हम स्पेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे करेंगे टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू नहीं लगा, मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर, ठीक है। स्पेस डालना चाहे बीच में स्पेस यूज़ कर सकते हैं, और कर दूंगा मैं इसको सेव। अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्लिक हियर, या फिर इस पे जाते हैं तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस पे हमने एट्रीब्यूट्स नहीं लगाया और इस पे हमने एट्रीब्यूट्स लगाया है टाइटल का। ओके, ये पूरा पेज सेम काम करेगा। होम के अंदर देख जाके देखो, कॉन्टैक्ट्स में, अबाउट अस में, या गैलरी पे जाएंगे तो हमारे पास गैलरी खुल जाएगी। अब हमने कॉन्टैक्ट में यहाँ पे एक फाइल लगानी है कि कोई पीडीएफ फाइल है यहाँ पे या फिर टेक्स्ट फाइल है, उसका लिंक हमने देना है कॉन्टैक्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे हाइपर का ही। यहाँ से मैं कोई भी एक हाइपर टैग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट, और इधर हम आके जो अबाउट अस है इसको हटाएंगे और इसकी जगह उस पीडीएफ फाइल का नाम डाल देंगे। पीडीएफ फाइल का नाम है कॉन्टैक्ट, और वो फाइल थी एचटीएमएल फाइल नहीं है, वो पीडीएफ फाइल है, तो हम करेंगे यहाँ पे पीडीएफ, और इधर कर देंगे उसका नाम, मैंने कर दिया माई पीडीएफ, ठीक है, और सेव। अब वापस इसको आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एक माई पीडीएफ के नाम से फाइल दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो पीडीएफ फाइल है हमने लिंक दिया था वो फाइल यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम वो एट्रीब्यूट लगाना चाहें कि नई टैब में ओपन हो, या इसके ऊपर यहाँ भी दिखाए कि क्लिक किया, तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई टेक्स्ट फाइल, कोई वर्ड फाइल, कोई एक्सेल फाइल, उनका लिंक हमने डालना है तो सेम टू सेम उसी प्रकार लिंक डालेंगे, खाली हमने क्या करना है उस फाइल के नाम के साथ उसका एक्सटेंशन चेंज करना है। जैसे कि पीडीएफ फाइल थी तो मैंने एक्सटेंशन कर दिया डॉट पीडीएफ, वर्ड की फाइल होती तो हम कर देते डॉट डॉक, एक्सेल की होती डॉट कर देते डॉट एक्सएलएस। अब आ जाता है कि हम जाते हैं गैलरी में और हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर लगाई हुई है, एक दो तीन चार ऐसे, और उन पिक्चर को हम डाउनलोड करना चाहें, या फिर इस पिक्चर को हमने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिंक मिले हमको जहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करके उस फाइल को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो देखते रहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे हम तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।